हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसे दुपहिया वाहन चालकों में भय के साथ कोतवाली थाना पुलिस की ढली कार्रवाई को लेकर भी सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शहर के नेहरू नगर स्थित बाड़मेर सिटी हॉस्पिटल के पास से सामने आया है, जहां मेडिकल शॉप के आगे रखी एक्टिवा को अज्ञात चोर ने पार कर लिया। हालांकि एक्टिवा मालिक ने चोर का पीछा करते हुए उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन अज्ञात चोर एक्टिवा लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। एक्टिवा चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद परिवादी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली थाने में अज्ञात चोरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कोतवाली थाने को सौंपी रिपोर्ट में परिवादी विनय ने बताया कि उसका दवाई सप्लाई का काम है। एक्टिवा पर सवार होकर वो सोमवार को नेहरू नगर स्थित एक मेडिकल शॉप पर पहुंचा था। मेडिकल शॉप के बाहर रखी एक्टिवा को अज्ञात चोर ने उसकी आंखों के सामने पार कर लिया। परिवादी के अनुसार आसपास की दुकानों से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ उसके द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। गौरतलब है कि बाड़मेर शहर में दुपहिया वाहन चोरी के मामले में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। आए दिन दुपहिया वाहनों की चोरी से जहां वाहन चालकों में भय व्याप्त है, वहीं कोतवाली थाने में दर्ज वाहनों चोरी के मामले का खुलासा नहीं होने के कारण भी लोगों में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। लेकिन कोतवाली पुलिस की ढीली कार्रवाई के चलते बाइक चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कोतवाली पुलिस अज्ञात दुपहिया वाहन चोरों के सामने पस्त नजर आ रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।